इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जो आपको पढ़ना है, तो आइए करंट अफेयर्स के अपनी सीरीज में पहला टॉपिक पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं मारबर्ग वायरस डिजीज। ये एक डिजीज है जिसका नाम है मारबर्ग वायरस डिजीज। ये कब होती है, कैसे होती है? ये एक वायरस है, ऐसे कुछ कीड़े आपके पेट में भी पाए जाते हैं। ये कुछ ऐसी डिजीजेज हैं जो यूनिक हैं और रिसेंटली अब आ रही हैं मार्केट में। तो मारबर्ग वायरस, 6 पीपल हैव डाइड इन रवांडा फॉलोइंग द आउटब्रेक ऑफ द मारबर्ग वायरस इन द कंट्रीज हेल्थ मिनिस्ट्री एंड द रिसेंटली। हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि रिसेंटली क्या हुआ, 6 लोग रवांडा में मरे हैं। तो MVD जो है, ये अलियर नोन एज मारबर्ग हेमोरॉजिक फीवर, इज द रेयर बट सीवियर होमोरैजिक फीवर एंड इफेक्ट्स बोथ पीपल एंड द नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स। अब ये कह रहा है कि मानव और मानव के साथ जो अन्य जीव जंतु हैं उनको भी ये बीमार करता है। पॉजिटिव एजेंट MVD जो है बेटा आपका, ठीक है, जिसे मारबर्ग वायरस बोलते हैं डिजीज, ये कॉज होती है मारबर्ग वायरस से। जेनेटिकली इसका नाम क्या है, जूनोटिक। जूनोटिक जहां पे भी वर्ड आएगा इसका मतलब होगा जानवरों से आने वाली, और जो जानवरों से आती है वो हमेशा RNA वायरस होता है, 90% DNA वायरस नहीं होता। जो जानवरों से आने वाला जूनोटिक वायरस जो होगा वो RNA वायरस है। मारबर्ग या निगोला वायरस आर बोथ द मेंबर्स ऑफ द फाइलोवायरिडाई फैमिली, जिसे बोलते हैं फिलो वायरस। तो अगर आप देखें मारबर्ग और इबोला दोनों खतरनाक वायरस हैं, और अगर आप इबोला को भी देखेंगे तो इबोला ऑलमोस्ट इसी के जैसा दिखता है। तो ये दोनों डिजीज कहीं ना कहीं खतरनाक है। वायरस टेक इट्स नेम फ्रॉम द जर्मन सिटी मारबर्ग वेयर इट वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड 1967। ये सबसे पहले कहाँ पे दिखा था बेटा, ये सबसे पहले आपका दिखा था जर्मनी की मारबर्ग में, है ना। इन द लैब वेयर वर्कर हैव बीन कॉन्टेक्ट विद द इन्फेक्टेड ग्रीन मंकीज इम्पोर्टेड फ्रॉम द युगांडा। यहाँ पे पहली बार क्या हुआ था, हरे बंदर लाए गए थे जिनमें बीमारी पाई जा रही है। जूनोटिक है मतलब जानवरों से ह्यूमन में गई है, तो जानवरों से ह्यूमन में गई है। तो पहली बार क्या हुआ था, मारबर्ग में जो वर्कर्स लैब में काम कर रहे थे उनको ये डिजीज बंदरों से फैल गई। इसके बाद द रिजर्वायर होस्ट ऑफ द मारबर्ग वायरस इज द अफ्रीकन फ्रूट बैट, ठीक है। ये कहाँ से आते हैं, अफ्रीकन फ्रूट बैट से, ठीक है, रोजेटस एजाइपिटेकस से, ठीक है। और इसका ट्रांसमिशन होता है, वायरस कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम बैट्स टू द प्राइमेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस एंड देन स्प्रेड थ्रू द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद ब्लड एंड द बॉडी फ्लूइड्स फ्रॉम द इन्फेक्टेड इंडिविजुअल। सेम कोविड वाली कहानी होगी, ये वायरस भी चमगादड़ों से आ रहे हैं। अब चमगादड़ से कैसे आएगा, या तो आप उसके कॉन्टेक्ट में हो, उसे खा रहे हो, उसे पाल रहे हो। आपने देखा होगा जो हमारे यहाँ एनिमल्स में डॉग भी पाले जाते हैं उनकी भी नाक बहती है, आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, और वो लोगों को मुंह पे भी चाटते हैं, सब कुछ करते हैं। तो बेटा वहां से भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ते हैं और वो इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो इस चीज को बचाने की जरूरत है, इस चीज से बचने की जरूरत है। अगर आप इस चीज को रेगुलेशन के साथ कर लेते हैं तो ठीक है। ये डिजीज थोड़ी खतरनाक डिजीज है, इसमें लोग मरते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर एग्जाम में आए तो कौन सी कंट्री में कहाँ फैली थी, क्या आउटब्रेक है, कितने लोग मर चुके हैं, पहली बार कहाँ से आई थी, RNA वायरस है, ठीक है, और एनिमल से पहली बार फैला है तो जूनोटिक वायरस है। ये सारी चीजें आपको याद रखने की इसमें जरूरत है।